की रफ्तार 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है। अगर ये उल्कापिंड गलती से भी पृथ्वी से टकराया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई आशंका नहीं है और ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर से ही निकल जाएगा। खबर के मुताबिक ये उल्कापिंड 29 अप्रैल को 3 बजे पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने वाला है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक इसकी गति 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एजेंसी ने साफ कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नासा के मुताबिक ये उल्कापिंड माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा है। वैज्ञानिकों ने इसको 1998 OR2 नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अक्सर धरती के पास से ऐसे उल्कापिंड गुजरते रहते हैं। कुछ उल्का काफी छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े उल्कापिंड कभी कभी आते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो उल्का के रास्ते बदलने की संभावना कम ही होती है, लेकिन अगर जरा सा भी रास्ता बदला या फिर धरती के गुरुत्वाकर्षण ने उल्का को आकर्षित किया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।